हफ्ते की छुट्टी खत्म, बाजार रात 8 की बजाय 10 बजे तक खुलेंगे। इंडोर आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। शादी की इंडोर तकरीब में 200, आउटडोर फंक्शन में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। एनसीओसी का 23 सितंबर से पाबंदियां हटाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ जबकि रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ चलेगी। सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। आवाम के लिए सस्ते स्टोर्स पर रिलीफ के दरवाजे बंद। यूनिटी स्टोर पर फिर अशियाए जरूरियां महंगी। नहाने वाले साबुन की कीमत 10 रुपए तक बढ़ा दी गई। टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपए तक का इजाफा। टॉयलेट क्लीनर की कीमत 12 रुपए बढ़ी। 1 लीटर फिनाइल की बोतल 6 रुपए। 200 ग्राम खाने की क्रीम 10 रुपए महंगी हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। खान साहब के जो दावे तब्दीली के थे, महंगाई में तब्दीली हो गई है। घी देख लें, यहाँ पे पहले 160-170 रुपए मिलता था, अब 260 रुपए कर दिया। गरीब को एक और झटका। बिजली 2.07 रुपए फी यूनिट महंगी होने का खदशा। बिजली की कीमतों में इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। समरी मंजूर हुई तो सारिफीन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने गुज़श्ता माह डीजल पर तारीख की महंगी तरीन बिजली पैदा की। खुमियाजा आवाम भुगतेंगे। बादलों की भरपूर इनिंग्स, लाहौर में जल थल एक कर दिया। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बागबांपुरा, मुगलपुरा टाउनशिप, सेक्रेटेरिएट, गवाल मंडी, रेलवे स्टेशन के इलाके भी गए। गुजरे रावी, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेरी इलाके एक बार फिर जेरे आब आ गए। सेशन कोर्ट के अंदर और बाहर तालाब के मनाजिर। इस्लामपुरा के बुजुर्ग ने सड़क पर ही कपड़े धो डाले। CTO का रात देर शहर का दौरा। मुंतजिर मेहदी ने ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। बैंक स्टॉप मुजाहिद रोड का सीवरेज सिस्टम तबाह। गलियां जौहर में तब्दील। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। समनाबाद की गुलजेब कॉलोनी का भी बुरा हाल। ठेकेदार पाइपलाइन डालकर चलता बना, गलियां पक्की नहीं हुई, अहले इलाका परेशान। तरक्याती स्कीमों की तकमील टारगेट। LDA ने 10 स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए मांग लिए। मुबीन शहीद अंडरपास का सीवरेज सिस्टम बनना है। कर्शी पार्क में जेर जमीन वाटर टैंक की तामीर भी मंसूबे का हिस्सा। जिना मार्केट जौहर टाउन की चार दीवारी। जे ब्लॉक गुलबर्ग में सीवरेज की स्कीमें तरजीहात का हिस्सा। हाजी पार्क, गोशनी कॉलोनी, गवाला कॉलोनी, इतिहाद पार्क, जावेद पार्क की सड़कें भी तामीर की जाना है। सेहत सबके लिए। पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम। निजी अस्पतालों को 332 अरब रुपए देने की तैयारियां। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने PND बोर्ड को PC1 भेज दिया। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के आइंदा इजलास में प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पर। महकमा सेहत को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में तकसीम करने पर गौर। दोनों में अलग अलग गुजरा लगाए जाएंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक को प्राइमरी हेल्थ मिलने का इम्कान। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेकेंडरी हेल्थ का कलमदान मिल सकता है। पंजाब ने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के 50 करोड़ के फंड जाया कर दिए। महकमा जंगलात ने विफाक से मिलने वाले फंड इस्तेमाल ही नहीं किए। महकमा जंगलात की फंड दोबारा जारी करने की इस्तेदा। ऐवान वजीर आला को समरी इरसाल। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में रिकवरी का आगाज। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली के लिए नैब का बड़ा इकदाम। DC से काबिले फरोख जायदादों की तफसीलात तलब। अपर मॉल का बंगला नंबर 135, मोजा मांग, मोजा बद्दुकी की सैकड़ों केनाल अराजी भी शामिल। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम से रिकवरी का आगाज होगा। रिकवरी की जाने वाली रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 85 करोड़ बनती है। सर्विसेज होटल लाहौर की निजकारी फिर से नाकाम। चौथी कोशिश भी सूझबूझ साबित नहीं हो सकी। वफाकी काबीना ने निजकारी कमेटी के एतराजात मान लिए। दोबारा नजरसानी की इस्तदा मंजूर। सर्विसेज होटल को पहली बार 2006 में फरोख्त करने के लिए पेश किया गया।
दूसरी बोली 2007 में लगी, तीसरी कोशिश सितंबर 2020 में हुई। अप्रैल 2021 की बोली में फैसल टाउन नामी ग्रुप ने 1,95,17,00,000 में होटल खरीदा। विपक्षी काबीना से मंजूरी बाकी थी। किफायतशारी मुहिम में तरामी, सुबाई बुजदा के घरों की तजीनों आरायश पर पाबंदी खत्म, सरकारी घरों के लिए फर्नीचर की खरीदारी भी मुमकिन होगी। पंजाब काबीना के गुज़िश्ता इजलास में फयाजुल हसन चौहान ने ब्यूरोक्रेसी पर एतराज़ात उठाए थे। कहा था, सिर्फ वुज़रा के घरों की तज़ीनो आराइश पर पाबंदी क्यों है, सेक्रेटरीज के घरों पर तो कोई पाबंदी नहीं। PIA का अरबाइन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन, कोरोना SOPs में तरमीम, 17 साल से कम उम्र अफराद के लिए वैक्सीनेशन की शर्त आरजी खत्म। इससे कबल 12 साल से ऊपर के बच्चे के लिए भी कोरोना सर्टिफिकेट लाजिम था। उधर कुवैत में कौमी एयरलाइन पर पाबंदी के खिलाफ सिविल एविएशन हुकाम का सख्त रद्द अमल, कहा हमारे जहाजों ने उड़ान नहीं भरी तो 1 अक्टूबर से कुवैती परवाजों को भी महदूद कर देंगे। महकमा दाखला और औकाफ की सर जंग, लाहौर में प्रिजन कॉम्प्लेक्स का मामला खटाई में पड़ गया। महकमा औकाफ ने अराजी की मंजूरी नहीं दी, बच्चों और खवातीन के लिए अलग जेल बनना थी, मंसूबे के लिए 3 अरब का तखमीना लग चुका, कॉम्प्लेक्स की तौसी के लिए तामीराती काम भी शुरू नहीं हो सका। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की 4 में से 3 लिफ्टें खराब, रैंप को भी ताला लग गया, मरीजों को बलाई मंजिल तक जाने में मुश्किलात, डॉक्टर्स और तिबी अमले को भी परेशानी का सामना, लिफ्टें मुरम्मत करवाई जा रही हैं, जल्द फ़ाल कर दी जाएंगी, इंतजामिया का मौके। बल्दियाती इदारों की बहाली का केस, काबीना को प्लान ऑफ एक्शन पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल हाई कोर्ट पेश हुए। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पंजाब असेंबली का दौरा, स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मेहमान वफ़द ने पंजाब असेंबली का नया ऐवान देखा, हुस्न जमाल की तारीफ। नून लीग मुल्तान डिवीजन का इजलास, हमजा शहबाज, राना सनाउला, वैस लगारी, तहमीना दुल्ताना की शिरकत, मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, कहा अगर हमारा बयानिया हमारे पास न होता तो हम में और दूसरी जमातों में कोई फर्क नहीं था, अगला इलेक्शन हमारा है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का LLC के साथ साइट डेवलपमेंट ब्रीफिंग सेशन, CEO इमरान अमीन की खसूसी शिरकत, तरक्याती कामों पर जामे ब्रीफिंग, शजरकारी मुहिम के तहत अपने हिस्से का पौधा लगाया। हुकूक निस्वा का तहफ़, नीलोफर बख्तियार का एंटी विमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल डिफेंस का दौरा, DSP डिफेंस गुलाम दस्तगी, बुशरा निसार और दीगर अफसरान से मुलाकात, खवातीन के तहफ़ के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक का इंडोनेशिया के सफीर के एजाज में इशारा, दोनों ममालिक में तिजारती तालुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के एजाजी काउंसलर जनरल यासीन जोया के एजाज में तकरीब, कौमी अम कमेटी ने एहतमाम किया, मलिक सनाउल्ला घोकर, इनामुल हक सलीम, मकसूद चुगताई, इम्तियाज शाद, शमशाद हाशमी, शेख एहसान बाबर, जुलकर नैन समेत दीगर की शिरकत। जनरल अस्पताल में डेंगू के खिलाफ आगाही सेमिनार, प्रिंसिपल प्रोफेसर सरदार अलफरीद जफर हयात, प्रोफेसर ताहिर सिद्दीक, डॉक्टर जाफर शाह, डॉक्टर मकसूद और डॉक्टर अब्दुल अजीज की शिरकत, तिबी अमले और नर्सिस को बीमारी और मरीज के इलाज मुआवजे का बताया।